हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज वैसे थोड़ा काम था सुबह सुबह और उठने में भी लेट हो गया था, तो अभी ब्लॉग 10 बजे स्टार्ट किया है। और आज यानों को भी जल्दी लेने जाना है, अभी गर्मियां शुरू हो गई तो स्कूल वाले भी आलसी हो गए, उसे 2 घंटे ही पढ़ाएंगे, तो 8 से 10 का ही टाइम है, तो अभी उसे लेने जाना है थोड़ी देर में। और भी 2-3 काम है, भंगार देने जाना है और नाश्ता बनाना है और भी काम है। वॉशिंग मशीन बिगड़ गया है तो वो भैया को भी बुलाने जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि वॉशिंग मशीन के बिना तो चलेगा नहीं। वैसे आज तो हमने हाथ से कपड़े धो लिए हैं, लेकिन हर रोज़ हाथ से अभी मज़ा नहीं आता, मशीन यूज़ करते हैं तो अभी वॉशिंग मशीन वाले को बुलाएँगे, देखते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है मशीन में, वो बताएंगे। उसके बाद फिर मशीन रिपेयर करके फिर अब कल से शायद वॉशिंग मशीन काम में आ जाए, तो अभी देखते हैं। वैसे अभी तो फिलहाल तो मुझे यानू को लेने के लिए जाना है स्कूल में, तो अभी मैं जाऊंगी स्कूल। और हाँ, आज सुबह सुबह एक और झटका लगा, ब्लेंडर सोचिए तो ब्लेंडर में शॉर्ट सर्किट हो गया, स्पार्क हो गया, तो कृति को झटका लगा तो अभी वो भी रिपेयर करवाने जाना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रिक का काम बढ़ता ही जा रहा है रिपेयरिंग का, तो अभी वो भी रिपेयर करवाने जाएंगे आज। पता नहीं कब फ्री होंगे, लेकिन आज तो पूरा दिन रिपेयरिंग में ही चला जाएगा। ये देखो यानू, गाइस ये देखो यानू अब क्या कर रही है, देखो पीएल लगी पड़ी है सब कुछ निकालने में, बस उसे निकालना, तोड़ना, फोड़ना, अलग करना, ऐसा कुछ हो तो सबसे ज्यादा मजा आता है कुछ ठीक करने को बोलो तो वो नहीं, 1 से 2 करने में मजा आता है। केजवान नथी मने आप, ये देखो, ये देख ले, ओए हाय एम हाय एम, पढ़ को पकड़ो पड़े, बीजू बोदी उड़ी जाए ये देखो इसका तो ऐसे चलता ही रहेगा, इसको बस कुछ चाहिए। काम ठीक है, स्कूल आती आप तबे काम में लगी थी क्या दिखो यानू के भी छे काम ठीक है। तो गाइस अभी बज गए शाम के 5, अभी जस्ट हम सब सो के उठे हैं, तो अभी वॉशिंग मशीन वाले भैया रिपेयर करना आए थे तो हमने रिपेयर करवाया, लेकिन वॉशिंग मशीन में तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, उसमें चूहा घुस गया था तो देखो ये चूहे ने पॉलीथीन डाल दी थी, वो रेड कलर आता है वहां से वो काट के मशीन में चला गया था, और ये पॉलीथीन भी लेके गया था, तो ये सब हाँ लाओ, ऐसा कचरा निकला है अभी इसमें से, अभी इतना सारा कचरा होगा तो मशीन कैसे चलेगा, इसलिए हमारा मशीन नहीं चल रहा था, लेकिन अब थैंक गॉड कि अभी मशीन, ये मशीन में से निकला है, वो चूहा था ना हमारे घर पे अंदर घुस गया था मशीन में, माउस वही गयू तू अंदर दिखो मशीन में, और ये उड़ते ही बस खाने लग गई, कुछ काम है कि नहीं खाने के अलावा, हैं? खाना बस। तो गाइस अभी चूहे का त्रास तो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। अभी 2-3 महीने पहले भी आपने ब्लॉग में देखा होगा कि घर में चूहा घुस गया था, अभी वापस वही चूहा मशीन में घुस गया है, अभी तो वो टेम्पररी तो वो भैया ने निकल दिया है जो रिपेयर करने आए थे उन्होंने, लेकिन अभी दूसरी बार भी घुस सकता है, तो अभी मशीन की जगह बदलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कहाँ से आता है। हमने सब जगह वैसे पैक तो कर दी है, लेकिन फिर भी वो घुस जाता है, कहीं से घुसता है पता नहीं, लेकिन अभी कुछ उसका देखना पड़ेगा कि क्या होता है, तो अभी शाम को जब आएंगे तो देखेंगे दोनों भाइयों की कहाँ पे मशीन लगाए और कहाँ से चूहा आता है, उसके बाद कुछ सेट करेंगे मशीन की जगह या फिर चूहे का ठिकाना, अभी दोनों में से किसी एक को तो सेट करना ही पड़ेगा,
तो अभी क्या करेंगे, शाम को पता चलेगा अभी दोनों आएंगे तो। खुली क्यों तो क्या जाओ उसे तारे जाते थोड़ी खुले ने खगड़ा वस्ता है कि आपने कोई घरे थोड़ी किया चीज खगड़ा वाला हुई कौन तो ना चीज खोले जो ड्राई कर आ खोले जो बड़ो कर पढ़ी खोली नू फाय दो ममरा दो लाखा ना मच खोल 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 तो ना चीज यार नू मंकी बन गई है अब कहीं से भी कहीं पे चढ़ जाती है नहीं मंकी बनी गई गमे नहीं चढ़ी जास ने खोल खोल ट्राई कर એટલે ખુલી જશે ચડાતું નતું તો કેમ ચડાઈ ગયું એમ ખોલીશ તો એ ખુલી જશે હા પેલા બીજા કામે નથી લાગુ ખોલ ને પેલા મને ખાવે હાઈ મમરા લેવા મોકલી છે મમરા લે પેલા પછી આટલે કાલે મારા માટે રાખું છું હા હા એટલા માટે પેલા મમરા આપ દેખો મમરા કા ડીબા લઈ લે પેલા આ મમરે કા ડીબા લે चढ़ी केम गई तू तो मैंने खबर ना पड़ी मम्मा ही बैठा था हूँ ही बैठी थी केम कीधू ने जाते केम चढ़ी तू क्या थी चढ़ी थी दीका जाते केम चढ़े उतार से कौन आई पैकेट नीचे लई ले पछी तू ज खाजे ला दूध में नाखी खावानू छे चलो नीचे उतरो नीचे उतर कदू वीक मा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उसको थैंक यू अबे क्या थी चढ़ी थी न्या थी नीचे उतर एट मन खबर पड़े तू क्या थी चढ़ी थी बधु मूकी दे हाथ में राखीश तो उतरा से नहीं बेटा तू नीचे आई चल फटाफट जल्दी करो जल्दी जल्दी चलो नीचे आओ हालो भाभी आपड़े वहां वही जाए सब्जी ले आवी हां तो नीचे उतर एक ले जाए तुमने आ हाल तू एकली रहीस ने तो हूं चाची जाए ना तो मैं वेट करीस तू वेट करीस कौन ना वेट करीस मारी चाची રહુન ચાચી બે વેચે ને લોક કરીને પૂરી ને ખુલ્લું રાખી ખુલ્લું થોડી રાખાય પૂરવી પડે તને ના ખુલ્લું રાખીને જાવ તમે નીચે ઉતરો ખુલ્લું રાખીએ તો તો માઉસ આવી જાય ઈ સેવિંગ કરવાનો પ્રશ્ન નથી કે દાંતે ઘસવાનો પ્રશ્ન નથી નીચે ઉતરિયાનું આમાં તેલ લગાવવાનું છે હા તેલ લગાવવાનું છે તો નીચે ઉતર હાલ 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 નીચે ઉતર કોઈ ઉતારજે નહીં चॉकलेट की बारिश हुई यानू ने चॉकलेट की बारिश कर दी भाई हमें उभी थे के जाती ले नीचे उतर આજે બ્લેન્ડર માં છે ને દેખું મને શોર્ટ આવ્યો હતો એટલે તને શોર્ટ આવશે અડતી નઈ ત્યાં કઈ સબ પીટારા ખુલ ગયા ઉધર સે નીચે ઉતર લાવ ગેસ ચાલુ કરો સબ કુછ આયેગા એક કે બાદ એક ખજાના નીકલા ક્યાં ક્યાં છુપાયા હે ઉપર વૈસે वो तो मुझे भी पता नहीं जो आता वो वहां भी रख देते थे क्यों उतारे क्यों हमने चढ़ाई नहीं थी ना तुम चढ़ी थी अकेली तू जाए तो चढ़ी थी रघु के मम्मी जाते झाला उतरो ना तो उतारो हल उतरी छे नीचे हाय फिंगर आपू तू क्या थी चढ़ी थी त्या पैर राखी दे क्या पैर राखी चढ़ी थी पग मूको तो आ तो यहाँ मूकी दे उतरी जा
क्या जाओ छे तारे ओए ये मौकी की तरह कहा चली जा रही है तू यानु सु करवू छे हूँ तब नवरा बेटा क्यूब चालू कर दी तू हलो हलो जल्दी करो यानू कितना हुआ देखो अरे यार यानू एम ना करे बेटा हाँ कितना हुआ 8 7 तो गाइस आज फिर से हमारा प्रोग्राम बन रहा है ये वाला गोला बनाने का तो अगली 2 ट्राई में तो हम फेल हुए थे इस बार देखते हैं कैसा बनता है 50-50 है इस बार 50-50% चांसेस है कैसा बनता है तो मैं आपको गोला बनने के बाद आपको दिखाऊंगा इस बार मलाई कुछ अलग तरीके से बनाई है तो ना ना समय बीची डिश दे वो डिश अंदर नहीं जा रही यालू चलो गोला इज रेडी स्टार्ट इस बार तो बहुत अच्छा बना है मलाई कैसी लगी मस्त है इस बार अच्छा बना है अब ऐसी मलाई बनाएंगे हर बार